मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आगामी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 14 सितंबर से 26 फरवरी 2025 तक प्रदेश के सीनियर नागरिकों को कई शहरों में धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा तीर्थ दर्शन योजना में इस बार नागरिकों को वाराणसी, काशी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, कामाख्या, अमृतसर, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, शिरडी और नागपुर जैसे धार्मिक स्थल निर्धारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। बारिश को लेकर उनकी चिंता दूर होने वाली है। मौसम विभाग ने किसानों के संकट को दूर कर दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी और सागर जिले में भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में हल्की और मध्यम बारिश के संकेत दिए गए हैं। मौसम विभाग की जानकारी के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ऐसे में गुरुवार 22 अगस्त से प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि 24-25 अगस्त को प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग दलित युवती से रेप मामले में बहुजन समाज पार्टी चीफ और यूपी के पूर्व सीएम मायावती और आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिग दलित युवती से रेप मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना का बेहद ही शर्मनाक बताया। उत्तर प्रदेश में हो रहे 60,000 से अधिक पदों पर सीधी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं। डीजीपी ने अपने निर्देश में सभी कमिश्नरेट और पुलिस कप्तानों को चप्पे चप्पे की निगरानी रखने के निर्देश देने के साथ ही संदिग्धों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नामी सोसाइटी में मंदिर के अंदर तेज घंटी बजने को लेकर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलने के बाद सोसाइटी के निवासियों ने और एओए ने इसका विरोध किया, जिसके बाद देर रात यूपीपीसीबी ने अचानक अपना फैसला बदलते हुए नोटिस को विथड्रॉ कर लिया है। हालांकि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने इनकम पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने अपने इनकम को लेकर बीजेपी की ओर से किए गए कटाक्ष पर जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि मैंने 714 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लिया है। भारत ने रूस से कच्चे तेल खरीदने के मामले में चीन को पीछे छोड़ रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। जुलाई महीने में भारत ने जितना कच्चा तेल आयात किया है उसमें 44% हिस्सेदारी रूस की क्रूड ऑयल की रही है। चीन की रिफाइनरी कंपनियों ने प्रॉफिट मार्जिन में कमी के चलते रूस से कम कच्चे तेल का आयात किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया। अब भारत के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व फील्डिंग कोच और श्रीधर अफगानिस्तान के सहायक कोच होंगे। अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना है। इस सीरीज में आज श्रीधर अफगानिस्तान की कोचिंग करेंगे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार चिरंजीवी आज 22 अगस्त को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके परिवार के लोग और दोस्त खूब बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा साउथ के सेलेब्स जैसे जूनियर, एनटीआर, अल्लू अर्जुन समेत कई अभिनेता उनके बर्थडे विश कर रहे हैं। सभी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। चलिए जानते हैं कि अभिनेता को किसने विश किया है।